हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ्टी से रह रहे होंगे। और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स अरबी की सब्ज़ी की रेसिपी, और बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से बनाऊंगी मैं। तो आपसे शेयर करूंगी कि मैं कैसे बनाऊंगी सब्ज़ी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं किचन में। और आप सब कैसे हो प्लीज़ बताइएगा। और गर्मी बहुत हो रही है, उमस वाली गर्मी बहुत हो रही है, और बारिश का अभी कोई नाम नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं सब्जी किचन में जाके। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और ले ली है मैंने अरबी, और अरबी को कर लिया है मैंने बॉयल। बॉयल करने के बाद इनको कट कर लिया है छीलने के बाद, और कढ़ाई में चढ़ा दिया है तेल मैंने। कढ़ाई में मैंने मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दिया है, और आप इन्हें देसी घी में भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने इसमें अजवाइन का तड़का लगाऊंगी इसमें, और अजवाइन से ही टेस्टी बनती हैं। और इसके बाद इसमें थोड़ी सी मैं हींग ऐड कर दूंगी, तेज़पत्ता ऐड कर दिया है, और जीरे से ज़्यादा ये फ्रेंड्स अजवाइन में ही टेस्टी बनती हैं। इसके बाद मैंने प्याज को चॉप करके कट कर लिया था, वो उसे भी ब्राउन होने तक मैं भून लूँगी और फ्राई कर लूँगी अच्छे से इसको। और फ्रेंड्स बताइए कि आपको मेरी ये सादा सिंपल सी सब्ज़ी की रेसिपी कैसी लगती है, प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। और ये देखिए लहसुन भी मैंने कूट कर इसमें ऐड करा है, और अच्छे से इनको फ्राई कर लूँगी। और ज़्यादा इनको भूनना नहीं है, सुनहरा नहीं करना है मुझे ज़्यादा, सिर्फ हल्का सा तलना है ये मसाला। और इसमें मैं सारे मसालों को ऐड कर लूँगी, हल्दी नमक अपने स्वाद के अकॉर्डिंग, और धनिया मिर्च, धनिया और मिर्च का पाउडर ऐड कर दूँगी इसमें। और जितना मुझे फ्लेवर चाहिए मैं उतना ही मसाले ऐड कर दूँगी इसमें। और हींग देखिए मैंने इसमें ऐड कर दी है, और इससे और ज़्यादा टेस्ट बनता है, क्योंकि इसमें हल्का जो बादीपन होती है फ्रेंड्स वो हट जाती है। और अच्छे से इस मसाले को मैं चला लूँगी, और इसमें जो अरबी मैंने कट करके रख ली हैं उन्हें भी मैं इसमें एक मिनट के लिए तल लूँगी और भून लूँगी इनको। और यहाँ देखिए मैंने अरबी इसमें ऐड कर दी हैं, और अच्छे से इनको फ्राई कर लूँगी। और मैं इनको फ्रेंड्स रसीली बनाऊँगी पानी वाली, तो इसमें फ्रेंड्स मैं पानी कर लूँगी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे थोड़ा रसीली ही रखनी है ये। और रसीली सब्ज़ी भी अरबी की बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी बनती है रोटी के साथ खाने में। और यहाँ देखिए मैंने इसमें अपना जितना रखना है मुझे ठीक उतना मैंने पानी इसमें कर दिया है, और इसको अच्छे से मैं बॉयल कर लूँगी, उबाल लूँगी। और देखिए कलर इसमें अच्छे से आ गया है ऊपर, और इसको मैं ढककर पका लूँगी, उबाल लूँगी अच्छे से। और इसको मैं दो मिनट के बाद देख रही हूँ, तो फ्रेंड्स ये देखिए अच्छे से उबल चुकी हैं, और ये बनने के पास ही हैं। और इसमें मैं थोड़ा सा हाफ लेमन इसमें निचोड़ दूँगी, क्योंकि ये इसमें थोड़ा सा खटास होना और उसके चिपके ना उसके लिए ज़रूरी होता है नींबू इसमें। और इसमें मैंने लेमन ऐड करने के बाद इसमें गरम मसाला भी इसमें थोड़ा ऐड कर दूँगी, उसके बाद धनिया हरी मिर्च भी इसमें ऐड कर दूँगी मैं, और उसके बाद मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। और ये देखिए धनिया ऐड कर दिया है मैंने, और अच्छे से इसको चला लूँगी। तो प्लीज़ बताइएगा कि मेरी आपको सब्ज़ी कैसी लग रही है, और थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना मेरे वीडियो पर। और जो जो नए आ रहे हैं फ्रेंड्स वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को। और यहाँ देखिए मेरी सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आया है, तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है मेरी ये वीडियो तो आप लाइक ज़रूर करें। तो मैं आपको इसी तरह से अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी सब्ज़ियों की और आगे भी। तो फ्रेंड्स चलिए ये देखिए अच्छे से गल चुकी हैं ये, और इसमें कोई कसर बाकी नहीं है। और इसी तरह से आप रोटी के साथ ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगी, तो आप भी अपने घरों में बनाइए और खाइए। और अरबियाँ जो होती हैं वो हमेशा हल्की जो मोटी सी होती हैं छोटे साइज़ की वो ही अच्छी निकलती हैं, यही निशान।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नए वीडियो में और आपके लिए लेकर आएंगे नया वीडियो अच्छा सा। तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करना, जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर देना। बाय।